हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो हम दोस्तों बताने वाले हैं कि फेसबुक मैसेंजर के वीडियो अपने गैलरी में कैसे सेव करते हैं। जी हाँ, अगर आप मैसेंजर यूज़ करते हो और आपका फ्रेंड को जैसे वीडियो भेजता है तो वो आपको गैलरी में सेव करना है, तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैसेंजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, ये मैसेंजर है और यहाँ से मैं कोई फ्रेंड वीडियो भेजा है उसको मैं सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी फ्रेंड आपका वीडियो भेजता है सिंपली उसको क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड ने वीडियो मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो शेयर कर सकते हो, बट केवल मैसेंजर में ही जाएगा सेंड, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इमोजी का आता है और रिप्लाई सेव वीडियो फॉरवर्ड और मोर का ऑप्शन यहाँ मिलता है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। ये देख सकते हो सेव वीडियो, तो ये आपका डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो सेव वीडियो, तो आपको और बैक हो जाना है यहाँ से और आपको गैलरी में ओपन कर लेना गैलरी को, और तो दिखाता हूँ मैं वो वीडियो। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो ये वीडियो, तो गाइस आप जैसे कि देख लिए कि वहाँ से मैसेंजर से वीडियो सेव कैसे करते कोई भी फ्रेंड अगर भेजता वीडियो। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने पास दोस्तों पर शेयर करना ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मैं दोस्तों ऐसे टेक एंड ट्रिक वीडियो लाते रहता हूँ अपने चैनल में। तो मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।